Assalamualaikum game show सस्ते काल के रोहाले का सकाय नमस्ते game on अच्छों और welcome to Big Boss 15 का review with me आमिर अंसारी। क्या हो रहा है मेरा भाई? अरे भैया गन्ने की लड़ाई में आप लोगों ने एक दूसरे को इतने गन्ने मारे हैं, गन्ने फेंक फेंक के मारे, गन्नों पे कूद गए। अरे भाई गन्ने के जूस के लिए इतनी मारा मारी। कल का जो टास्क था वो एब्सोल्युटली अमेजिंग था एंड गाइस इतना धमाका, 20 मिनट ऑफ टोटल एंटरटेनमेंट, 30 मिनट से लेके 51 मिनट तक जो 21 मिनट का पूरा स्टंट कह सकता हूं मैं, जो ये गन्ने के जहर का टास्क था वहां पर ऐसा होलसम एंटरटेनमेंट प्रोवाइड किया है घरवालों ने कि देखकर मजा आ गया, आनंद आ गया। एंड गन्ने का शब्द, भैया गन्ने का शब्द का डबल मीनिंग आप लोगों ने ले लेके बहुत मजे लिए, तो वही हम आज इस रिव्यू में करने वाले हैं। हाय तू मेरा गन्ना पकड़, तेरे गन्ने का जूस निकाल दूंगा, अबे मेरे गन्ने मुझे वापस दे दे, मेरे गन्ने मेरे हैं तेरे नहीं है, मेरा गन्ना मैं तुझे नहीं दूंगा, अबे तेरा गन्ना तेरा ज्यादा है क्या, मेरा गन्ने का जूस ज्यादा निकलता है। इट वॉज एब्सोल्युटली मेहम हिलेरियस एंड उमर रियाज ने जो हरकतें की है कल टास्क में, ही वॉज एवरीवेयर। उमर रियाज किसी के ऊपर गिर रहा है, किसी के गन्ने छीन रहा है, किसी के गन्ने का जूस गिरा रहा है, ऑल इन ऑल काफी हिलेरियस था टास्क। लेकिन गाइस वो कहते हैं ना कि इंसान जब बदल जाता है तो उसके लिए अंदर से ही प्यार है, अंदर से ही जो भावनाएं है वो चेंज हो जाती है। एंड गाइस शमिता शेट्टी शोड हर इमोशनल साइड यस्टरडे एंड इतना चेंज किसी में आ सकता है ये मैंने कभी सोचा नहीं। मतलब सभी लोगों को पता है कि मायशा अनफॉर्चुनेटली डज नॉट हैव अ पेरेंट्स, यानी कि उनके मॉम भी नहीं है, डैड भी नहीं है, वो अलोन है। एंड प्रतीक सहजपाल ने कल ये बात जो है वो सबके सामने क्लियर किया, यानी कि शमिता को बताया, क्योंकि उस दिन मायशा का जो बीच कलर का शूज था वो शमिता ने डिस्ट्रॉय कर दिया, यानी कि उस पर लाल रंग डाल दिया। अब इसका गिल्ट शमिता शेट्टी को खाता जा रहा है कि उस लड़की का जूता उसने बर्बाद कर दिया। मायशा कहती है तुमको पता है ना प्रतीक, बाहर मेरा कोई भी नहीं है जो मुझे सामान भेज सकता है, मेरा जूता बर्बाद कर दिया। शमिता कहती है मैं तुम्हारे लिए नया जूता ला के दूंगी, समझ में आ गया, प्लीज बुरा माननी है कोई जरूरत नहीं। शमिता काफी अपोलोजेटिक लगती है एंड मायशा एंड शमिता हग भी करते हैं। प्रतीक कहता है उसके दोनों माँ बाप नहीं है। शमिता रोना शुरू करती है, शमिता का इमोशनल साइड मुझे काफी अच्छा लगा, मैंने ऑलवेज उनको क्रिटिसाइज किया है चाहे वो OTT में हो या फिर यहाँ पर भी हो, लेकिन कल वो मायशा को बुलाती है, उनको हग करती है एंड उनका पूरा जो स्लीपर का कलेक्शन है यानी कि शूज का कलेक्शन है एंड इट इज वेरी एक्सपेंसिव। शमिता शेट्टी जूता देखकर मायशा कहती है अरे मेरे जूते तो इतने एक्सपेंसिव नहीं थे, आप क्यों दे रहे हो, लेकिन फिर भी शमिता उनको जूते देती है एंड मायशा कहती है अब तो मैं जूते नहीं ले सकती, अलाउड नहीं है, लेकिन बाद में जरूर लूंगी। बस जय जो है यहाँ पर अपनी जो प्रक्रिया है कल झगड़े के कारणवश वो यहाँ पर दे रहा है। जय कह रहा है कि प्रतीक जो है वो अपना ओपोनेंट सेलेक्ट कर करके झगड़ा कर रहा है, यानी कि मेरे साथ तो झगड़ा करता ही है, मेरे पर चढ़ जाता है साला, लेकिन करण कुंद्रा के ऊपर वो चढ़ता नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ मुझे टारगेट कर रहा है। अब ईशान यहाँ पर उमर के बारे में जो बकवास कह रहा है, आई थिंक असीम या बाहर जितने भी उनके फैंस है सपोर्टर्स है वो यहाँ पर क्लियर करना चाहिए उनको, क्योंकि उमर अब घर में है उसको जब तक ये बातें पता नहीं चलेगी वो क्लियर नहीं कर पाएगा। अब ईशान यहाँ पर कह रहा है कि उमर यहाँ पर आकर मेरे पास फालतू की दोस्ती की सिंपत्ति झाड़ रहा है, वो कह रहा है अरे यार ईशान मैं तेरे लिए केयर करता हूँ, प्यार में तू मत पड़, तू पागल हो जाएगा मायशा के साथ। वो ये भी कहता है कि उमर बाहर की दुनिया में यानी कि घर के बाहर मायशा को पटाने की कोशिश कर रहा था एंड ये भी कह रहा था कि वो यहाँ पर आकर एक लव ट्राइंगल खेले। एंड जय भी कहता है अरे उमर तो एक नंबर का फेक है, जिम में आता तो बोलता है अरे जय भाई कैसे हो, हाथ जोड़ के मिलता है। तो आई थिंक ये सारी चीजें बाहर के लोगों को क्लियर करनी चाहिए क्योंकि इससे उमर का इमेज जो है वो खराब होता है। एंड यहाँ पर भी कहता है कि उमर बाहर वो सोफिस्टिकेटेड बिहेव कर रहा है लेकिन यहाँ पर आकर उसका गेम एकदम चेंज हो चुका है। निशान कहता है बाहर वाले जो है घर के अंदर आके खाना ले लेके जा रहे हैं, कोई आके बटर चोरी कर रहा है, उमर रियाज ने तो हरकतें कर दी है पूरी, जितनी भी स्त्री की मशीन है स्टीमर वीमर सब चोरी कर करके लोग अंदर लेके जा रहे हैं। तो निशान कहता है अभी विदाउट परमिशन इनको कुछ देना नहीं है। करण कुंद्रा यहाँ पर अब जय के खिलाफ होते हुए दिखाई दे रहा है, सिर्फ करण कुंद्रा ही नहीं सिम्बा कोटियन सारे के सारे लोग यहाँ पे कहते हैं कि कल जो था झगड़ा उसमें कुंद्रा का ही फॉल्ट था, प्रतीक का जरा भी फॉल्ट नहीं था, कुंद्रा यानी कि अरे भैया अंसारी जय और कुंद्रा दोनों अलग अलग लोग है, तो जय का फॉल्ट था ये सब लोग आके बोल रहे हैं। यहाँ पर कहते हैं कि जय का दिमाग तो है वो सटकेला है, उसका प्रतीक के साथ कुछ ना कुछ इशू चल रहा है। शमिता कहती है कि कल जब प्रतीक बोल रहा था
वो सबको इन जनरल बोल रहा था, वो सिर्फ और सिर्फ जय को टारगेट नहीं कर रहा था। सिम्बा भी आके कहता है हाँ तर प्रतीक ने सबको जनरली बोला कि झगड़ा मत करो, मारामारी नहीं करो। जय भानुशाली ने वो सारी की सारी चीजें अपने ऊपर ले ली, जय फालतू में बीच में आया एंड सिम्बा ने भी कहा कि कल जो गलती थी वो पूर्ण तरीके से यहाँ पर जय की थी। अब जय कुंद्रा एंड कोटियन इनके बीच में डिस्कशन हो रहा है। जय कहता है प्रतीक हाँ सिर्फ और सिर्फ मेरे को टारगेट कर रहा है, कुंद्रा तूने शायद लव स्कूल किया है जो भी किया है वो तेरे को टारगेट नहीं कर रहा। जय कहता है यहाँ पर मैं जो भी गाली दे रहा हूँ उसको, उसको लगता है मैं उसकी माँ को गाली दे रहा हूँ। ही अज्यूमिंग उसने का जो गाली दी थी वो काफी खराब है, उसने बोला था शायद आई थिंक सो ओके। जो भी है गाली गाली होती है, जो उसको नहीं पसंद उसको नहीं देना चाहिए। पूरा का पूरा घर अब जाके जय को समझा रहा है कि गाली मत दे तू यहाँ पर। जय कहता है मैं सिर्फ टास्क में उसके सामने आता हूँ, वरना मैं तो प्रतीक के मुंह के सामने आता भी नहीं। करण कहता है कि देख भाई गाली मत दे, नहीं पसंद है मत दे गाली, समझ में आ गया। जय बोलता है माँ की गाली नहीं है, वो सिंपति ले रहा है, ट्रिक है सिंपति की। कोटियन भी आके जय को समझाते हैं कि देख उसको गाली पसंद नहीं है, तू प्लीज उसको गाली मत दे। जय कहता है यह पहला सीजन है क्या यहाँ पे गाली हो, तो जय यहाँ पे काफी नॉनसेंसिकल बिहेव कर रहा है। ऐसा लग रहा है बिल्डिंग का कोई लुक्खा है जो गालियां देते फिर रहे लोगों को। अरे नहीं पसंद है मत पसंद करो, मैं हर सीजन का रिव्यू, पिछले सीजन में ऐसा हुआ था वो सीजन में ये आया था, वो नहीं कर सकता ना। नया सीजन है, नए लोग हैं, उस हिसाब से चलो यहाँ पर। अगर नहीं किसी को पसंद है गाली देना मत दो, मार खत्म करो। किस मार की पर गाली सुनना कौन पसंद करता है यहाँ पर? हाँ यहाँ पर सब जंगल वासियों के लिए एक बम्पर ऑफर है। बिग बॉस कहता है भैया गन्ने का जूस आएंगे, गन्ने का जूस निकालिए और जूस बेचिए और जंगल में आने का सुनहरा मौका ले लीजिए। और बाग सला जंगल में आने का, अरे घर में आने का, अरे भैया सॉरी मिस्टेक हो गया है, अब ये टास्क जीतिए एंड घर में अंदर आने का मौका लीजिए। अब गाइस तीन लोगों में ये टास्क डिवाइड हुआ है, टाइगर गैंग, डियर गैंग, प्लांट गैंग। टाइगर गैंग में है जय, घाटक की पगली तेजस्वी, तेजस्वी जो भी उसका नाम है, विशाल और अकाशा। अब प्लांट गैंग में है, तो प्लांट गैंग मेरे को बहुत पसंद आई। करण यहाँ पे दिमाग लगा रहा था, उमर बल का प्रयोग कर रहे, सबका जूस निकाल रहा था। माइशा एंड विधि भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही थी। एंड अब रूल इस तरह से है कि डियर में ईशान, डोनल, अफसाना, सिम्बा, ये सबसे लुक्खा गैंग था ये। वो अफसाना खान इतना नहीं सोच रही, उसका किस तरह से वजन है, चढ़ रही सब पे, जंप मार रही है, सीधे हरकतें कर रही है। तो अब रूल इस तरह से है कि आपको गन्ने मिलेंगे, आपको गन्ने का जूस निकालना है, जूस जितना भी मिलेगा वो लेके जाना है किसके पास, प्रतीक के निशान के पास। अगर उनको आपका जूस पसंद आया, यानी कि अगर आपका जूस ज्यादा हुआ तो वो आपको एक जहर देंगे, वो जहर आपको किसी के ऊपर डालना है, जिसके ऊपर आप डालोगे वो मर जाएगा। यहाँ पर गाइस अब शमिता इंस्पेक्शन करेगी, जिसका जूस ज्यादा हुआ वो उसको विनर घोषित करेगी ओके। तो अब गाइस यहाँ पर गेम की जो है वो शुरुआत होती है एंड घाटक की पगली जो है तो पूरा संचालक का जो कार्य है वो पढ़ के वहां से आती है। अब गाइस कोटियन का क्या दिमाग चल रहा है साले का, कल तक बोल रहा था कि सारे निशान को पेल दूंगा जाके, अब उसकी अलग स्ट्रेटेजी है। कोटियन बोलता है शमिता अगर तूने मेरे को और तेजू को और आकाशा को अंदर जाने का मौका दिया है ना, हम लोग गन्ने ज्यादा दे दिए तो मैं अंदर आके तेरे को सपोर्ट करूंगा, लेकिन अगर गन्ने कुंद्रा को ज्यादा मिल गए तो कुंद्रा निशान पति ये एक साथ मिलकर सबकी पेल देंगे, फिर देख तेरे को अकेला होना पड़ेगा, फिर मजा नहीं आएगा इस गेम में। ये शमिता को सोचने में मजबूर कर देता है कि अगर कोटियन जो कि उसको अक्का बोलता है वो अंदर आ जाएगा तो बहुत ही अच्छा होगा। तो अब गाइस यहाँ पर कोटियन शमिता को अक्का बुलाता है एंड कहता है अक्का आई विल बी ऑलवेज देयर फॉर यू अक्का। ओके गाइस शमिता कहती है गन्ने क्यों चाहिए तुम लोगों को, सब गन्ने लेने के लिए आते हैं। तो कोटियन बोलता है मैं मीठा हूँ, मेरे को गन्ने चाहिए। मीठा बोलता है वाओ नाइस आई लाइक यू साले। और अब क्या बकवास चल रही है घर में। हाँ सिम्बा कहता है मैं घर में, सिम्बा है ना ऐसा बात करते हैं, उन लोगों को बताता हूँ मैं घर में आऊंगा ना तो मेरे को आई लोग मजा आएगा मेरे को। क्या है वो खाए हुआ है गेम में कुछ नहीं कर रहा, शेविंग कर रहा और चमक चिकना लग रहा है बटके वो एकदम। हाँ अरे सिम्बा कहते हैं मैं घर में आऊंगा ना, मैं सपोर्ट करूंगा तुम लोगों को। हाँ कुंद्रा बोलता है आई नो ऑल द सीक्रेट्स। शमिता जितना गन्ना हो सकता है उतना गन्ना विशाल को देती है। इसमें उमर रियाज, अरे भाई ऐसा लगता है हेरा फेरी का इक्वल चल रहा है। उमर रियाज क्या कर रहा था, गन्ना छीन रहा है, मार रहा है, गन्नों में गिर रहे जाकर। हाँ उमर और जय के बीच में गन्ने की लड़ाई, अच्छा जय खींच रहा है, अच्छा उमर खींच रहा है, जय खींच रहा है, उमर खींच रहा है, गन्ना खींचते 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 दोनों जंगल में चले गए। जंगल में दिख भी नहीं रहा, कैमरा में एकदम ऑफ
हाँ जय उमर पे गिर गया, उमर उस पे गिर गया, दोनों गन्ना लेके खींच रहे हैं वहां पे, घाटक की पागल गन्ने के ऊपर गिर गई, मेरा गन्ना मेरा गन्ना मेरा गन्ना। अरे गन्ने के लिए इतना कौन झगड़ता भाई, हाँ गन्ने झगड़ गए। अब गए सबसे बेस्ट था उमर गन्ने के ऊपर, उमर के ऊपर जय, जय के ऊपर कोटियम, बिग बॉस बोलते हो रहा तो रुको यार साले छूटे लोग, हाय माँ बहन करो लग जाएगी। गन्ने की जूसी गाड़ी पे जाते हो तो भैया कैसे निकालते गन्ना ऐसा, वो ईशान उसका पूरा दिमाग है ना पिछवाड़े में ऐसा पकड़ रहे, जो मशीन है ना उसके अंदर हाथ डाल रहा है ऐसा कर, अपने हाथ कट जाएगा ना तो भाई पूरी उंगलियां चुंगलियां हो जाएगी, समझ में आ गया। और वो पागल वो सिंबा मशीन के अंदर हाथ डाल रहा है, गन्ने का जूस निकालना तेरा जूस नहीं निकालना। बिग बॉस बोलता है भैया अरे पागल हो गए हो क्या सालो, हाथ कट जाएगा तुम्हारा, तुम लोग एड़े ऐसे खेल रहे हो। हाँ अफसाना तो फुल चिल्लाना, अफसाना का जूस उमर ने गिरा दिया, अफसाना बोलते ना जूस गिरा दिया क्या कर रहे हैं सब। सविता बोलती है अरे ऐसा खेलना मत बंद करो यार, क्यों ऐसा कर रहे हो तुम लोग, आराम से गन्ने का जूस निकालो। हाँ बिग बॉस कहते हैं अबे यार ईशान अबे डंडा पकड़ कर जूस निकाल भाई, उसके अंदर हाथ मत डाल, वो डंडा पकड़ के जूस निकाल रहा है। अब उमर जाकर कोटियन का गन्ना पकड़ लेता है, मतलब कोटियन मतलब गन्ना पकड़ूंगा, गन्ना के पकड़ लेता है। करण बोलता है अबे उमर गन्ना घुसा अंदर, जूस निकालना यहाँ पर। उसके बाद वापस से ईशान और उमर की झगड़ा होती है, ईशान ज्यादा टिक नहीं पाएगा झगड़े में, उमर उसको मस्त पेलता है, ईशान उमर का झगड़ा होता है, चल जा तू नल्ले, अरे तू नल्ले तू निकल यहाँ पर। और उमर और ईशान जाके एक दूसरे को छाती फुल मार रहे हैं एक दूसरे को बैठ के, और यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली गन्ने का जूस गिरा हुआ रहता है ना, उमर गन्ने के जूस में फिसल जाता है, थर्ड करके गिर जाता है। एंड ईशान बोलता है गिर जा नल्ले नल्ले गिर जा तू यहाँ पर। डोनल एंड विधि, डोनल कौन विधि कौन, दोनों गन्ने एक दूसरे को पकड़ पकड़ के झगड़ा कर रहे हैं, काफी हिलेरियस टास्क था ये, मेरे को काफी हंसी आई पूरे के पूरे कार्य में। ऐसा गन्ना चोरी कर रहे थे, बिग बॉस फिर से चिल्लाता है अरे भैया ईशान तुम एक नंबर के तू साले, अबे डंडा पकड़ के जूस निकालो भाई, हाथ कट गया तो यार शो का नाम खराब हो जाएगा। अरे सिम्बा आप भी हाथ अंदर डाल रहे यार पागल हो क्या। हाँ तो गाइस अब उमर सबका चोरी कर रहा है, अफसाना के हाथ में लग जाता है, सब लोग चिल्लाते रहते हाथ में लग जाए क्या उनका घर चले जाए यहाँ पे, सब जूस मेजर करते हैं। अब शमिता का डिसीजन लास्ट डिसीजन रहता है, बिग बॉस कहते हैं निशान प्रतीक आप इस डिसीजन में जरा भी साथ नहीं लेंगे, एंड शमिता कहती है उमर तुमने सबको अटैक किया है, समझ में आ गया तुमने इस कार्य में सबको अटैक किया, सबके दिमाग की दही की है। पुनल बोल रही है मेरा भी गन्ना छीन लिया इसने। हाँ यहाँ पे सिम्बा बोल रहा है ओ गवार उमर तू अपने भाई के दम पे आया है, तेरे को नहीं मालूम तुमने भाई के दम पे आया। सिम्बा इसे झगड़ता है बच्चे कीजिए झगड़ता ना। हाँ उमर बोलता है मैं अपने भाई के दम पे आया क्या, तू क्या स्प्लिट्स भी लगी पढ़ाई करके आया है क्या, वो अपने अलग जोन में जा रहा है। यहाँ पर सिम्बा कहती है सिम्बा कहता है अबे रात हो गई चल जाए यहाँ से। उमर बोलता है रात हो गई सो जाके यहाँ पर, बच्चे से झगड़े होते ना सिम्बा उमर एंड सिम्बा के बीच में। अब गाइस पहला कंटेस्टेंट जिसके ऊपर जहर डाल के उसको गेम से बाहर कर देते हैं वो है नन अदर देन सिम्बा। 20 मिनट का फुल धमाका था, इसको मार रहा है उमर गन्ने छीन रहा है, उमर फिसल रहा है, डोनल विधि के झगड़ रही है, मजा आ गया देखने के लिए। अब गाइस कोटियन कहता है माइशा मैंने सिर्फ तेरा गन्ना खींचा, जैसे झगड़ा वगड़ा किया नहीं। जय बोलता है गन्ना खींचा ना तू, कब का गन्ना एक दूसरे खींच रहे हैं। शमिता कहती है अब हमको विशाल को सपोर्ट करना पड़ेगा, अगर विशाल को सपोर्ट किए तो वो मैप नहीं बनाएगा, बाकी के लोग अंदर नहीं आ पाएंगे। एंड अफसाना बोलती है अब ना मैं इसका जूस फेंक दूंगी, तुमने मेरा गन्ना पकड़ा मैं तुम्हारा गन्ना पकड़ूंगी नहीं मैं जूस फेंक दूंगी। शमिता कहती है विशाल तेजू इन सारे लोगों को घर में लेना है। विशाल बोलते नहीं मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, ईशान डबल डोल की पूछा कुंद्रा अंदर आ जाए। अब यहाँ पे इन लोगों को ये नहीं मालूम कि कोटियन भी ट्रिपल गेम खेल रहा है। कोटियन क्या बोल रहा है पता है, देख अगर कुंद्रा अंदर गया ना तो एकदम वो गेम खेल लेगा ईशान और प्रतीक के साथ, तुम्हारी वाट लगनी ही लगनी है, मैं न्यूट्रल खेलूंगा, अगर मैं अंदर गया तो मैं घर वालों की तरफ से भी खेलूंगा ही खेलूंगा, जंगल वासियों की तरफ से भी खेलूंगा। तो कोटियन सबके हित में खेल रहा है। प्रतीक कहता है शमिता को ठीक है कोटियन को अंदर लेकर आएंगे, एंड कोटियन यहाँ पर फुल लोगों की गोटियां पकड़ने की साजिश कर रहा है। अब कुंद्रा कहता है अब हम जूस छीनेंगे यानी कि चोरी करेंगे। बिग बॉस कहता है भैया शो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे महत्वपूर्ण आपकी सुरक्षा है। अबे साले तुम साले लोग मशीन में हाथ डाल रहे हो, पहले राउंड में ईशान को रोका फिर भी गन्ने में हाथ डाल रहे हो, अगली बार के तो शो बंद कर दूंगा, आराम से करिए। तो गेम स्टार्ट होता है,
अब भाई सिम्बा वापस झगड़ा शुरू करता है, सिम्बा आउट हो चुका है बाहर से, उमर को टीज कर रहा है, कहता है अबे वो फट्टू रियाज, किसी के सरनेम पे पीछे फट्टू लगाना काफी कूल नहीं है, उसको फट्टू रियाज चिल्ला रहा है, कहता दम लगा, पौधे लगा के जान लगा ले, हाँ अपने भाई जैसा बनना चाहता है तो अपने भाई से जलता है। उमर ने ध्यान नहीं दिया नल्ले पे सिम्बा के ऊपर, सिम्बा वहां पे करते करते चिल्ला रहा था। हाँ कुंद्रा यहाँ पर क्या कर रहा है पता है, गन्ने का जूस निकाल रहा है ना, वो यहाँ के पानी लेके आ रहा है पानी मिक्स करने के, लेकिन उसको पकड़ लेते हैं, कुछ भी नहीं होता। एंड में जो होता है फैंटास्टिक, यहाँ पर आई थिंक डोनल या विधि गन्ने के ऊपर है, पूरा घर उसके ऊपर है, यहाँ पर इतना गुस्सा आता है यहाँ पर किसको, कुंद्रा को, कुंद्रा ऐसा पूरा कोनी मार के ऊपर जम मारता है, अफसाना कूद रही है लोगों के ऊपर, और वहां पर टास्क समाप्त होता है। बहुत इंटरेस्टिंग टास्क था आज का गाइस, काफी ज्यादा मारा मारी हुई, अनफॉर्चुनेटली रात को मैं इसका रिव्यू नहीं कर पाया, ओके आई वांटेड फुल एनर्जी, इसे सुबह को इसका रिव्यू कर रहा हूँ। ओके गाइस, तो आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा, तो पसंद आया प्लीज हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साइनिंग ऑफ, यू विल सी मी वेरी सून, टिल देन एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन।